दिग्रस शहर की एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका ने स्कूल प्रशासन और मुख्य अध्यापक के खिलाफ शिक्षण अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय को शिकायत की है। दसवीं कक्षा के फेयरवेल के लिए जबरन वेतन कटौती के अलावा पहरावे से लेकर अजीबोगरीब नियमों का धाक बताकर वक्त वक्त पर फाइन लगाने जैसी हरकतों का जिक्र भी शिकायत में किया गया है। दिग्रस शहर में अंग्रेजी मीडियम की कई निजी स्कूलें अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ज्यादा खर्चीले व्यवसाय केंद्रों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ कई स्कूल प्रबंधन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और उन कार्यक्रमों के लिए खर्चे के नाम पर स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों के जेब से और शिक्षकों के वेतन से जबरन उगाही की जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस आशय की एक शिकायत एक निजी स्कूल के संदर्भ में सामने आई है। ईश्वर देशमुख अंग्रेजी मीडियम स्कूल के प्रबंधन और मुख्याध्यापक के खिलाफ इसी स्कूल में हाल के दिनों तक कार्यरत एक महिला शिक्षक ने पंचायत समिति के तहत आने वाले शिक्षण अधिकारी कार्यालय को इस संबंध में शिकायत दी है। इस शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा है कि हाल ही में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगभग 700 रुपये प्रति शिक्षक और प्रति विद्यार्थी से लेने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में शिकायतकर्ता शिक्षक ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी उसके वेतन से जबरन पैसे लिए गए। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी कारणवश स्कूल में लेट आने पर, दिन के हिसाब से विशिष्ट रंग की साड़ी परिधान न करने पर कथित नियमों का हवाला देकर उनसे फाइन ली जाती है। इस पूरे मामले में महिला शिक्षक के वकील ने अपना पक्ष रखा है। मित्रों, दहावी मध्ये विद्यार्थी असताना त्या विद्यार्थ्यांचा सेंड ऑफचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमामध्ये जबरदस्ती संपूर्ण शिक्षक वर्गांकडून आणि विद्यार्थी वर्गांकडून पैसे जमा करण्यात आले। त्या शाळेमध्ये एकंदरीत 9वी मध्ये शिकणारे 80 विद्यार्थी आहेत। प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून त्यांनी जवळपास 750 रुपये एका विद्यार्थ्याकडून जमा केले। असे पूर्ण जमा केले असता 60,000 रुपये त्या विद्यार्थ्यांकडून जमा झाले। त्याचप्रमाणे त्या शाळेमध्ये जवळपास 61 शिक्षक वर्ग आहेत, त्यांच्याकडून प्रत्येकी एका शिक्षकाकडून 700 रुपये जमा केले, असे एकंदरीत 43,000 रुपये जमा झाले। आणि सेंड ऑफ या नावाखाली 10वीचे विद्यार्थी यांच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमानंतर जवळपास त्यांनी 1,30,000 रुपये जमा केले। आणि सदर कार्यक्रम कोणाची शासनाची परवानगी न घेता राजराजेश्वर मंगल कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आला। यासंबंधी काही शिक्षकांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली की आमचे पैसे जबरदस्ती कापण्यात आले, कारण तुटपुंजर पगारावर काम करणारे ते शिक्षक आहेत। त्यांनी आपल्या पगाराची मागणी केली असता त्यांना सांगितले की आम्ही तुमच्या पगारातून जबरदस्ती खंडणी स्वरूपात पैसे घेईल म्हणजे घेईल आणि तुम्हाला द्यावंच लागेल। या संबंधीची तक्रार आमच्याकडे आल्यानंतर मी स्वतः तिथे गेलो आणि त्यांना माझा परिचय दिला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही पैसे का कापले। तर त्यांनी सांगितलं की मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नाही दूंगी, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नाही हूं। जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही प्राचार्य आहे, तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नाही दूंगी, तुमको जो करना है। शिकायतों से भरपूर इस पूरे मामले के बाद NBCN न्यूज ने संबंधित स्कूल प्रबंधन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए इससे पल्ला झाड़ दिया। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आमतौर पर शहर के अधिकतर अंग्रेजी स्कूल प्रबंधनों ने अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनुशासन के नाम पर अजीबोगरीब नियम बनाए हैं, लेकिन उनके ये नियम कायदे किसी फितूर से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे कहने को तो सरकार के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के तहत चलते हैं, लेकिन हकीकत में स्कूल खुद की शर्तों पर चलाते हैं। और अफसोस इस बात का है कि उनकी मनमानी की चक्की में कम वेतन पर जीतोड़ काम करने वाले शिक्षक और पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों के लिए मेहनत का पैसा बहाने वाले अभिभावक पीस कर रह जाते हैं। वक्त रहते इन स्कूलों को अपने कथित नियमों को बदलने की जरूरत है, और वो अगर बदलना नहीं चाहते तो फिर ये शिक्षा विभाग का फर्ज है कि वे इस बारे में गंभीरता दिखाए, ताकि शिक्षा दान करने वाले शिक्षकों और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को खर्चीले अनुशासन से छुटकारा मिल सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।